मनीष अरोरा, महामाया टेंट एंड केटरर्स सरकंडा, प्रोवाइडर मिस्टर रविंद्र देवांगन, बिलासपुर मोबाइल रिपेयरिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर राजीव प्लाजा बिलासपुर, प्रोवाइडर मिस्टर पिंटू यादव, कार गैरेज सिपा चौक सरकंडा बिलासपुर, प्रोवाइडर मिस्टर पंकज साहू, रियल टेल्स एक्सप्रेस नेटवर्क प्रोवाइडर मिस्टर सौरभ कुमार, द कास्मे केयर सुभाष कॉम्प्लेक्स के सामने जरहाबांटा चौक बिलासपुर, प्रोवाइडर डॉक्टर आलोक सुल्तानिया, सिद्धि विनायक ट्रेडर्स प्रोवाइडर मिस्टर अमन दीवान, टुटेजा फर्नीचर्स प्रोवाइडर मिस्टर अशोक टुटेजा, माहौल रेस्टोरेंट रायपुर रोड बिलासपुर प्रोवाइडर मिस्टर बंटी पवनानी, होटल जीत कॉन्टिनेंटल शिवटाकी चौक बिलासपुर प्रोवाइडर मिस्टर प्रतीक उपवेजा, न्यू गुडविल गिफ्ट कॉर्नर प्रोवाइडर मिस्टर अमन कलवानी, निशा डेली नीड्स सरकंडा प्रोवाइडर मिस्टर प्रकाश मेहरचंदानी, केक वॉकर्स प्रोवाइडर मिस्टर विक्की गोंडवानी, रॉयल किंग प्रोवाइडर मिस्टर राजेश पांडे, GN प्लेस प्रोवाइडर मिस्टर रक्तिम सरखेल, ब्रांड स्टोर शू कलेक्शन प्रोवाइडर मिस्टर एडी ताम्रकार, पूर्णिमा ज्वेलर्स जूनी लाइन बिलासपुर प्रोवाइडर मिस्टर मनोज सोनी, बेकर्स फार्म एंड कैफे इबीजा तारबहार चौक प्रोवाइडर मिस्टर विशाल विधानी, प्रोटीन हब प्रोवाइडर मिस्टर जिशान खान, विनायक रियल्टर्स एंड टूरिस्ट पैकेजेस प्रोवाइडर मिस्टर आशीष कपूर, अरोरा ट्रेडर्स सरकंडा प्रोवाइडर मिस्टर मनीष अरोरा, महामाया टेंट एंड केटरर्स सरकंडा प्रोवाइडर मिस्टर रविंद्र देवांगन, बिलासपुर मोबाइल रिपेयरिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर राजीव प्लाजा बिलासपुर प्रोवाइडर मिस्टर पिंटू यादव, कार गैरेज सिपा चौक सरकंडा बिलासपुर प्रोवाइडर मिस्टर पंकज साहू, रियल टेल्स एक्सप्रेस नेटवर्क प्रोवाइडर मिस्टर सौरभ कुमार, द कास्मे केयर सुभाष कॉम्प्लेक्स के सामने जरहाबांटा चौक बिलासपुर प्रोवाइडर डॉक्टर आलोक सुल्तानिया, सिद्धि विनायक ट्रेडर्स प्रोवाइडर मिस्टर अमन दीवान, टुटेजा कृपया भिजवा दें और दोनों टीम के एक एक अतिरिक्त प्लेयर कमेंट्री बॉक्स के पास आ जाएंगे। तो विवेक भाई ने अपनी बातें पूरी की थी जो अधूरी रह गई थी, हिंदी इंग्लिश प्लस छत्तीसगढ़ी, औ ऐसा सब बहुत सारा सुनने को मिलेगा छत्तीसगढ़ी में, मजा आएगा आप सभी को। राज कश्यप की बेहतरीन आवाज़ के मालिक है राज कश्यप, साथ में एक नाम तो आपने भूला है, उसका भी नाम मैं लूँगा, आपने तारीफ भी किया था मैच के पहले मयंक सिंह गौतम जी का, जी हाँ वो भी आज अपने आवाज़ से अपना जलवा बिखेरेंगे मैचों में, आगे के और होने वाले मैचों में, और इस मैच में भी समय मिलता है तो निश्चित रूप से हमारे कमेंटेटर साथी हैं मयंक सिंह गौतम और एक अच्छी हस्ती है मिलतरा NSVI के अध्यक्ष मयंक सिंह गौतम, उसकी भी जितनी तारीफ की जाए कम, सभी तारीफ के काबिल हैं, सभी अपनी अपनी जगह पर अपना अपना हुनर रखते हैं और सभी अपने अपनी जगह पर अपनी अपनी जिम्मेदारियां को बखूबी निभा रहे हैं, तभी यह टूर्नामेंट 10 वर्षों से सफलतम श्रेणी की ओर बढ़ रहा है और नित्य दिन नए आयाम के साथ इस समय टूर्नामेंट को कराया जा रहा है। बंबई से जो टीम आई है, संदीप भाई, रोहित भाई, ओंकार, आशीष भाई, कैमरामैन सतीश भाई, यहाँ सभी का विशेष सहयोग रहा है और देखिए कैमरामैन कि क्या खूबसूरती के साथ शूट करते हैं, प्लेइंग इलेवन भेज दें, अतिरिक्त खिलाड़ी भी भेजे दोनों टीम के, अन्यथा 5 रन, 5 रन जो काटे जा सकते हैं काटे ही जा सकते हैं, सिर्फ बातों में नहीं, जिस समय कटेगा आपको पता चलेगा ये वाली बात ना आए। दोनों ही टीम के प्लेइंग इलेवन के साथ एक एक अतिरिक्त प्लेयर जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स के पास आए।
डिजिटल स्कोरिंग होती है, आप देख रहे हैं लाइव प्रसारण होता है, कितना खुशनुमा माहौल है। देखिए दो बल्लेबाज, साथ में हमारे कैमरामैन की मैं तारीफ करूंगा वसीम भाई, क्या शूट करते हैं, क्या खूबसूरत नजारा इस समय आप देख रहे हैं। इंटरनेशनल चाहूंगा, दोनों ओपनर बल्लेबाज मैदान पर पहुंचे हैं, स्ट्राइक पर जो मौजूद है उनका भी नाम जानना बाकी, जबकि नॉन स्ट्राइक पर बल्लेबाज हैं उनका भी नाम। बॉलिंग मार्ग पर हैं दीपक, जबकि दोनों बल्लेबाज में इस समय लेफ्ट हैंड बल्लेबाज स्ट्राइक पर मौजूद जो रहेंगे उनका नाम है केडी और अभिषेक पांडे की यह जोड़ी। केडी और अभिषेक की जोड़ी इस समय मैदान पर, केडी है स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर अभिषेक, जबकि बॉलिंग मार्ग पर दूर वाले छोर से, जी हाँ रियल बॉल, ओके सर थैंक यू एम्पायर नितेश राय ने इशारा किया। मैच की पहली गेंद, अच्छी गेंद, कोई भी रन नहीं आए, सर्कल के आधार पर यह मैच होता हुआ, दो ओवर का सर्कल में कितने रन आएंगे, क्या ड्रेस कोड है, काफी खूबसूरत माहौल, क्रिकेट का माहौल चलता हुआ, सरकंडा का जो त्यौहार है शुरू हो चुका है दोस्तों, आगाज हुआ था आज से 11 रोज पूर्व और फिर से अपने अंजाम की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है। बड़ी बड़ी टीमें जो है अब दूसरे पुल में देखने को मिल रहे, काफी खतरनाक मैच देखने को मिल रहे हैं। कल भी एक शानदार मैच चल रहा था, लाइव मैं अपने घर से देख रहा था, आपने जिक्र भी किया था, मैं देख भी रहा था मैच, काफी मजेदार मैच था कल का चैंपियंस और रांची फाइटर के बीच। इस बीच ये गेंद, खूबसूरत गेंदबाजी कर रहे हैं, लय में है, स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी कर रहे हैं, कोई मौका नहीं दे रहे हैं, स्ट्राइक पर जो बल्लेबाज अभी भी सुरक्षित, केडी और अभिषेक पांडे की जोड़ी, केडी और अभिषेक की जोड़ी इस समय मैदान पर। हवाओं का चलना बंद हुआ है और निश्चित रूप से एक प्रयास किया था, अच्छा प्रयास था लेकिन कैच छूटा। और इस समय स्ट्राइक पर आ गए हैं बल्लेबाज अभिषेक, अभिषेक एक ऑलराउंडर बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं, काफी अच्छा करते हैं अपनी टीम के लिए, देखते हैं इस समय क्या करेंगे, पहली गेंद को क्या सीमा रेखा से बाहर पहुंचाएंगे कि सम्मान देंगे कि क्या करेंगे, उनका मूड किस तरह से नजर आता है ये देखने वाली बात होगी, जबकि पहली गेंद का सामना करेंगे अपने खाते का अभिषेक, खाता खोलना है। अच्छी गेंद, इस गेंद को सम्मान दिया, जी हाँ नजरें जमाना बहुत जरूरी है, 10 ओवर का है मैच, है बड़ा मैच, है शानदार मैच है, दोनों ही टीमें सशक्त और मजबूत हैं, लगातार अपना अपना जौहर दिखाना होगा, समय समय पर जो बल्लेबाजी जो की जाती है वो सर्कल में खूबसूरत अंदाज में जब बल्लेबाजी होती है तो काफी मजा भी आता है। हेलो हेलो कृष्णा भैया, हाँ जी मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछले वर्ष विनीत कप 2020 में
यही शारिक 11 ने ही हमारा फाइनल टूर्नामेंट जीता था। गत विजेता टीम इस समय महामाया ब्लास्टर के साथ इस समय लड़ रही है और अतिरिक्त प्लेयर अभी तक नहीं पहुंचे हैं। हालांकि दोनों बल्लेबाज के नाम यहां सुरक्षित हो चुके हैं, लेकिन ये ना हो मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आप अच्छे खिलाड़ी हैं, आपके टीम अनुशासन से मानी जाती है शुरू से, पिछले बार के आप विजेता रहे, एक अतिरिक्त प्लेयर भेजें जो लास्ट में बल्लेबाजी करने के लिए जाएंगे उन्हें ही आप भेज दें। मोहसिन खान अपने 11वें नंबर के खिलाड़ी को यहां भेजे, अन्यथा 5 रन काट दिए जाएंगे 5 मिनट के अंदर। दिस द फाइनल अपील फ्रॉम माय साइड, थैंक यू। जय प्रकाश दुबे 1 ओवर 7 रन, शारीरिक 11 भोपाल का, पिछले वर्ष की गत विजेता टीम इस समय एक अच्छा स्कोर खड़ा करने के प्रयास में लगी हुई है। हालांकि मात्र 7 रन आए हैं पहले ओवर के समाप्ति हुए। स्ट्राइक पर बल्लेबाज केडी, अच्छे बल्लेबाज हैं, अपने लय में आ जाए तो काफी लंबा प्रहार करते हैं, कड़ा प्रहार करते हैं। केडी साथ दे रहे हैं उनका अभिषेक पांडे, जबकि बॉलिंग मार पर जय, टीम के अपने कैप्टन है जय जो है महामाया ब्लास्टर के। और ये गेंद ऑफ स्टंप से, जी हाँ, बहुत बार थी एम्पायर ने देखा पड़का जाना और दोनों हाथ समानांतर के, व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ। आज के मैच के दो सफल एम्पायर जब्बार भाई और नितेश राय कमेंट्री बॉक्स पर इस समय, भाई वसीम, जी हाँ, आपकी बात लगी है, तत्काल पहुंचे हमारे अतिरिक्त प्लेयर वसीम भाई। और ये गेंद ऑफ स्टंप से पुनः बहुत ज्यादा बार पूरा नियंत्रण खोया है, व्हाइट बॉल आता हुआ, जी हाँ, कोई भी नियंत्रण नहीं इस समय जय की गेंदबाजी में। जय को इस समय सफलता की तलाश है, लेकिन सफलताएं तो उससे कोसों दूर नजर आ रही हैं। लगातार अतिरिक्त के रूप में इस समय डाल रहे हैं, इस बीच जय की अंदर वाली गेंद कहां जाएगी, बाहर। बाहर पहुंचाया था अभी अभी और फुल ट्रांसफर, चुनकर गाना लगाते हैं समय देखकर, वो भी समझते हैं समय की नजाकत को, धन्यवाद डीजे वाले भाई साहब। दूसरा ओवर प्रगति पर है, स्कोर में 21 रन पर इस समय सारिक भोपाल, और जाएगी कहां, इस बार भी सीमा रेखा से बाहर, पहले ने एक दिशा में खेला गेंद को, दिशा दिखाई, को करनी होगी और फुल टॉस फिर से बनाया है, कहां जाएगी, जी हां, जहां जाना चाहिए 6 रनों के लिए, बेहतरीन शॉट केडी ने इस ओवर में।
30 रन अभी तक खर्च कर चुके हैं कैप्टन जय ने। फुल टॉस फिर से अगेन, नो बॉल का इशारा एम्पायर के द्वारा। यहां फ्री हिट का मौका है, क्या मौके आ रहे हैं, मौके ऊपर मौका। पहले ओवर में 7 रन थे और इस ओवर में कुल आ चुके हैं। इस धुआंधार बल्लेबाजी को देखते हुए लग रहा है कि आज संभवतः इस वर्ष का सर्वाधिक स्कोर टीम भोपाल बनाने में सफल रहेगी। देखते हैं दोस्तों। जी हाँ, देखना ही होगा और देख भी रहे हैं सभी। गेप पर खेला है, फ्री हिट का फायदा नहीं उठा पाए हैं जिस हिसाब से मिलना चाहिए था। केडी जैसे बल्लेबाज के पास फ्री हिट का आना और सिंगल लेना, ये गले से नहीं उतर रही है जिस हिसाब से बल्लेबाजी कर रहे थे। एक दूसरे ओवर की जो समाप्ति हुई, दो ओवर में जो कुल रन बने हैं 39 रन, 30 रन पर खेल रहे हैं केडी, 11 गेंदों का दम पर इस समय और उनके हुनर पर आप लाइव प्रसारण देख रहे हैं, घर बैठे मैच का आनंद ले रहे हैं। 7070 स्पोर्ट आप डाउनलोड करें और इस मैच का आप लाइव आनंद ले सकते हैं। काफी खुशनुमा माहौल केडी की बल्लेबाजी को देखने के लिए सभी की नजरें और निगाहें टिकी हुई है। और इस समय बदलाव जो चाहूंगा कमेंट्री में मेरे प्यारे भाई वसीम की आवाज में। वसीम भाई बहुत बहुत धन्यवाद भाई कृष्णा तिवारी। बहुत ही शानदार मुकाबला सारिक 11 भोपाल। पहले बल्लेबाजी करते हुए टॉस जीतने के पश्चात दूर वाले छूर से समय तीसरे ओवर की शुरुआत करते हुए तेज गेंदबाज विनय। देखना है इस ओवर में क्या करते हैं विनय और केडी, क्या उसी अंदाज में बल्लेबाजी करेंगे या रोक पाएंगे गेंदबाज विनय, या देखना होगा। जबरदस्त बल्लेबाजी करना होगा दोनों ही बल्लेबाजों को, हालांकि कुछ कम रन पर रोकना चाहेंगे गेंदबाज। मास्टर ब्लास्टर के वरीद कप 2021 में आए आप सभी खिलाड़ियों का, अतिथियों का हम आयोजन समिति की ओर से स्वागत और इस्तकबाल करते हैं और आपको एक शानदार मैच के लिए आमंत्रित करते हैं। अधिक से अधिक संख्या में आए हुए दर्शक बेहतरीन मैच का आनंद लीजिए, आइए बैठिए, आपका स्वागत है, वेलकम है, खुश आमदीद है। वरीद कप 2021, आइए दोस्तों मजा लेते हैं इसका। दूर वाले छोर से विनय कड़ी अग्नि परीक्षा लेने के लिए तैयार। इस समय प्रहरक छोर पर बल्लेबाज केडी है मौजूद। विनय की अगली गेंद बॉलर के सर के ऊपर से बैक ड्राइव लगाया, अपने फॉलो थ्रू में फील्ड करने की कोशिश जरूर की थी। जब तक बाउंड्री लाइन से खिलाड़ी आते उठाते लौटाते दोनों बल्लेबाजों के पास पर्याप्त मौका था अपने श्रेणी में परिवर्तन करने का, अर्थात एक रन पूरा करने का। इस मिले सिंगल रन की बदौलत टीम के कुल योग में इजाफा हुआ, टीम का कुल योग अब जा पहुंचा है 40 रन पर। केडी 12 गेंदों का सामना किया है, शानदार 31 रन बल्लेबाजी कर रहे हैं। उनके साथ अभिषेक पांडे हैं जिन्होंने अब तक मात्र 2 गेंदों का सामना किया है और 6 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर वे बल्लेबाजी कर रहे हैं। विनय दूर वाले छोर से कड़ी अग्नि परीक्षा लेने के लिए तैयार। अभिषेक पांडे कनेक्टिंग अ ह्यूज वन कमिंग इन द लाइन ऑफ Fantastic batting is being shown by Abhishek Pandey here. Vinay will continue to Abhishek. Again, huge one still drive for 6 runs. Abhishek Pandey from non-commentary end. After wicketkeeper, there is point, one slip, lovely bowling. Such kind of bowling is required if Vinay will keep this kind of line and length
Definitely, it will create some problem for the batsman Abhishek Chinchadi. Dead ball. Abhishek Pandey is on a strike. Vinay from non-commentary will continue to Abhishek Pandey. Short third man. For good bowling. This kind of bowling is required. Lovely comeback by Vinay. Two dot balls so far. Wonderful crowd here. At Khel Parisar Sarkanda. Again, it may be dangerous. There was a chance, but the player at third man did not try. Tried to feel, understand better to feel the ball. End of the over. After completion of 3 over, total score is 52 without loss. After winning the toss, Sarik 11 Bhopal is playing against Master Blaster at in Vineet Cup 2021. At Khel Parisar Sarkanda, Bilaspur, Chhattisgarh. You are watching Vineet Cup 2021. Myself, Wasim Khan, along with my partner commentator, Krishna Tiwari, and scorer, Siva. And all the whole the team of Mumbai, Maharashtra, who is doing a wonderful job here. Because of them, you are able to watch this tournament live 70-70+. So, if the spectators are not able to come because of some problem, because of COVID, then this is a good opportunity for you. You can stay at your home and just keep on enjoying this lovely tournament. Let's see who will come for the bowling. Fourth over of the inning will be in progress. Dharmen. Let's see what Dharmen will do in this OA, because both the batsmen are on fire or at good form, looking attentively and going for the good shots. Cricket is the game of uncertainties. Unless and until the last ball is bowled, the last run is completed, last wicket is fallen, no one can profess which team is going to win the match. That's why keep on watching, keep on enjoying this lovely tournament. Vineet Cup welcomes you all here at Khel Parisar Sarkanda, Bilaspur. Match between Sarik 11 and Master Blaster Bilaspur is going on right now. Dharmendra is here. Let's see what he will do. In front of him, batsman KD is there from commentary end. Dharmendra is not able to understand because the KD has already made some price. The ball is on the leg side, fielder is there. KD satisfied from the single only. Complete single, score goes to 53. Fourth over of the inning is in progress. Abhishek Pandey is on a strike. Wonderful crowd. Dharmendra will continue to Abhishek. Wow, what a ball. Anyhow, played the shot and ran for the single. Easy single comes for both the batsmen are safe at their crease. Dharmendra is doing really wonderful task here, because earlier three bowlers have spent a lot of runs in their over, but right now there is good bowling by Dharmendra लगातार अच्छी गेंदबाजी करते हुए. इससे पहले दोनों गेंदबाजों की जमकर धुनाई किया था बल्लेबाज केडी और अभिषेक पांडे ने. अब ये भी धर्मेंद्र ने आते ही साथ अंकुश लगाया है, रन गति पर अंकुश लगाया है धर्मेंद्र.
छोटे से रन अप के साथ। अंपायर जब्बार अली को क्रॉस करते हुए ऑफ साइड की गेंद को पॉइंट की ओर पिंच कर दिया है। गेंद जा रही बाउंड लाइन की ओर, किसी भी खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं गेंद को सीमा रेखा के पहले रोक पाने का। फुल टॉस गेंद, सही नसीहत मंच पे बैठे अतिथियों का अभिवादन। स्क्वायर लेग अंपायर की भूमिका में हितेश राय। धर्मेंद्र अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, अभी थोड़ा सा गलती किया। फुल टॉस गेंद और केडी जैसे बल्लेबाज को रोकना मुश्किल। टीम का कुल योग जा पहुंचा है 64 रन पर, जबकि अभी भी चौथे ओवर की ही गेंदबाजी चल रही है, तो निश्चित तौर पर एक हाई स्कोरिंग मैच होने की पूरी पूरी संभावना, क्योंकि सारी के इलेवन भोपाल काफी अच्छे अच्छे बल्लेबाजों से सुसज्जित टीम है और गेंदबाजी में उनके पास मोहसिन खान जैसे धुआंधार तेज गेंदबाज, विकेट टेकर गेंदबाज उनके खेमे में मौजूद हैं। धर्मेंद्र अच्छी गेंदबाजी करने की लगातार कोशिश धर्मेंद्र के द्वारा, एक अच्छे खिलाड़ी है अपने टीम मास्टर ब्लास्टर के लिए। जमीनी प्रहार, इस बार क्षेत्र रक्षक मौजूद, डीप मिड विकेट पर जब तक गेंद फील्ड हो पाती है। दोनों बल्लेबाजों के पास पर्याप्त मौका था अपने शरीर में परिवर्तन करने का, अर्थात एक रन पूरा करने का। इसी के साथ साथ ओवर की समाप्ति हुई, अब कुल मिलाकर दो ओवर की समाप्ति हो चुकी है। दो ओवरों की समाप्ति के पश्चात चार ओवर की समाप्ति हो चुकी है। चार ओवरों की समाप्ति के पश्चात टीम का कुल योग जा पहुंचा है 65 रन पर, जबकि अभी भी कोई सफलता मास्टर ब्लास्टर जैसे गेंदबाजों को नहीं लगी है। अपने सफलता के प्रयास में होंगे, देखना है पांचवें ओवर में किस तरीके से शुरुआत करते, आपस में कुछ मंत्रणा करते हुए, आपस में कुछ राय मशविरा करते हुए कि किस गेंदबाज से गेंदबाजी करवाई जाए, कि एक विकेट थ्रू यहां पर होना बहुत ज़रूरी है। जहां तक सवाल है बल्लेबाजी का, तो दोनों ही बल्लेबाज अब पूरी तरीके से क्रीज पर जम चुके हैं, उनकी निगाहें जम चुकी हैं, गेंद अब उन्हें फुटबॉल की भांति नज़र आ रही होगी। और 65 रन आप स्कोर बोर्ड में देख सकते हैं, मात्र 24 गेंदों पर 65 रन बनाए हैं और गेंदबाजों के लिए राहत की सांस कि सारी के इलेवन भोपाल के गेंदबाजों को डरने की आवश्यकता नहीं है। उनके बल्लेबाज इतने अधिक रन बना देंगे कि विपक्षी टीम ऑटोमेटिक मनोवैज्ञानिक दबाव पर आएगी और आसानी से इस मैच को सारी के इलेवन जीत जाएगी, ऐसा दर्शकों का मानना है। देखना है आयोजन समिति के विकास पाल जी बंद के समीप आ जाएं। विकास पाल जी
आगे की कमेंट्री संभालेंगे कृष्णा तिवारी जी। धन्यवाद वसीम भाई, विवेक भाई। और इस बीच केडी तैयार है, अच्छे बल्लेबाजी कर रहे हैं, 43 पर खेल रहे हैं, 17 गेंदों का सामना किए हैं, 4 ओवर में 65 रन सारी किलन भोपाल गत विजेता टीम इस समय जी ट्रॉफी की ओर बढ़ती हुई उनके जो कदम है रुकने वाले नहीं नजर आ रहे हैं इस समय। दोनों बल्लेबाज नजरें जमा चुके हैं और इस बार गेंद हवा में है, इस बार फील्डर दूर से दौड़कर आए लेकिन गेंद तक नहीं पहुंच पाए, यहां काफी लंबा सफर तय किया था लेकिन गेंद तक नहीं पहुंच पाए। दोनों बल्लेबाज में एंड चेंज हुआ है जी हाँ, बहुत ऊपर थी गेंद, एक असफल प्रयास था, सफल होते तो सफल प्रयास रहता, खैर प्रयास करना आवश्यक है। जबकि अभिषेक पांडे इस समय 19 रन पर खेल रहे हैं, 8 गेंदों का सामना किए हैं अभिषेक, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं और स्वीप किया है, बैठकर खेला गया 60, वहां पर फील्डर मौजूद हैं, एक ही रन से संतुष्ट होंगे, जान रहे हैं केडी अपने पर लय पर लौट चुके हैं। 44 पर खेल रहे हैं इस समय केडी, 6 रनों की जरूरत है 50 पूरा करने के लिए, क्या वही खूबसूरत अंदाज में धोनी स्टाइल में क्या 6 रन लगाकर अपने 50 रन पूरा करेंगे, चाह भी रहे दर्शक तक गेंद पहुंचे, क्या पहुंचाएंगे केडी। यहां व्हाइट बॉल का इशारा है, अतिरिक्त रन खाते में आए हैं, अभी भी केडी 44 पर स्थिर है उनका स्कोर जो है। इस बीच लेग स्टंप से काफी बाहर स्कोर में इजाफा होता हुआ 68 रन, 4 ओवर और 3 गेंदों का जो खेल है अभी तक हो चुका है दोस्तों। और इस बीच रिवर्स शॉट खेलने के प्रयास में असफल हुए हैं केडी, सीधे बल्ले से जब आराम से उनके डिक्लियर शॉट जब लगाते हैं केडी तो एक छाप सी लगी रहती है, गेंद सीमा रेखा से बाहर ही जाती है, लेकिन थोड़ी सी छेड़खानी करने का प्रयास किया था, असफल हुए थे, कोई भी रन नहीं मिला था। और इस बार चतराई भरी गेंदबाजी की है इस समय दीपक ने, जहां बल्लेबाज को मजबूर किया है अंतिम समय पर अपना बल्ला अड़ाते हुए, पॉइंट पर खड़े फील्डर के द्वारा अच्छी फील्डिंग, यहां कोई भी मौका नहीं था रन लेने के लिए। केडी अभी भी मौजूद, और क्या केडी ने जिया उसी तर्ज में जैसे मैंने पहले कहा था, छक्के के साथ अपने इसी माह में होली भी खेले जाएगी, रंगों का जो त्योहार है होली भी इसी माह में, या रंगनुमा माहौल इस समय खेल परिसर मैदान पर होता हुआ। केडी आज अपने रंग में नजर आ रहे हैं, समय से पहले होली मनाने का जो जज्बा है उनका दिखाई दे रहा है। इस समय अभिषेक स्ट्राइक पर,
विकास की है गेंद, जी हाँ खराब गेंद होगी लेग स्टंप से काफी बाहर, एम्पायर ने वाइट करार दिया है। स्कोर जाता हुआ 75 रनों पर, 5 ओवर हुए हैं और 75 रन बन गए हैं। यहां से जो आंकड़ा दिखाई दे रहा है, वसीम भाई का कहना कि लगभग आज सबसे हाईएस्ट रन बनाने वाली टीम ना बन जाए आज सारी के 11 भोपाल, ऐसा लग रहा है उन्हें 150 ना पहुंचे आज। और इस बीच ये गेंद, अच्छी गेंद, इस बार बीट कराने में कामयाब हुए हैं विकास जैसे गेंदबाज, कुछ समय सफलता की तलाश है, जबकि इस समय अभिषेक को शायद चाहिए होगा कि स्ट्राइक पर मौका देंगे। केडी 50 पर खेल रहे हैं, 22 गेंदों का सामना किए हैं और उनके इन 50 रनों में जो छक्के शामिल हैं शानदार 6 छक्के। और जोरदार अपील और एम्पायर की उंगली भी उठी है, जी हां इस समय फंसाया है अभिषेक को, विकास को मिलने वाली पहली सफलता और टीम को मिलने वाली भी यह पहली सफलता है, तो एक अच्छा मौका है इस समय वापसी करने का, लगातार विकेट लेने होंगे, एक आध दो अच्छे ओवर डालते तो काफी अच्छा हो सकता है। जी हाँ नए बल्लेबाज आए हैं मकबूल, मकबूल के बारे में जी हाँ पिछली बार भी मैंने तारीफ किया था मकबूल की, बेहतरीन बल्लेबाज हैं, जबकि केडी 50 रन पर खेल रहे हैं शानदार 6 छक्कों के साथ इस समय 50 रन के निजी स्कोर पर केडी, क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं, खूबसूरत बल्लेबाजी, जबकि विकास एक सफलता के साथ मनोबल टीम का बढ़ाया है और अपना भी अब नपीतुली गेंदबाजी करना चाहेंगे, एक सफलता के साथ मनोबल बढ़ाते हुए इस समय अपना और टीम का विकास। ये गेंद, अच्छी गेंद, एक सफलता के साथ स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी कर रहे हैं, सम्मान दिया है इस गेंद को मकबूल ने, मकबूल सम्मान देते हैं उसके बाद गेंद को कड़ा प्रहार करते हैं, कमजोर गेंदों पर सीधा कड़ा प्रहार करते हुए गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचाने में बहुत मजा आता है मकबूल को। मकबूल फिर से तैयार, जबकि नॉन स्ट्राइक पर केडी इंतजार कर रहे हैं स्ट्राइक पर आने का। और इस बीच गेप ढूंढने में कामयाबी, हेलीकॉप्टर शॉट, खाता खोला 4 रनों से मकबूल ने, जी हां वाला है दोस्तों कल। और इस बीच फिर से एम्पायर को थोड़ा एक्सरसाइज करने पर मजबूर किया इस समय विकास ने, अतिरिक्त रन खाते में आते हुए व्हाइट बॉल का इशारा है एम्पायर जब्बार भाई का, नितेश राय इस समय हमारे स्मार्ट बड़े भैया इस समय एम्पायरिंग कर रहे हैं, लेग एम्पायरिंग का भार है उनके ऊपर, अच्छा अनुभव दोनों एम्पायरों को। शॉर्ट पिच गेंद और अच्छी फील्डिंग, जी हाँ बाउंड्री लाइन के ठीक पास में रुकी गई इस गेंद को, दोनों बल्लेबाज स्ट्राइक रोटेट करते हुए इस समय स्ट्राइक पर आ गए हैं बल्लेबाज केडी, क्या अंतिम गेंद पर फिर से सीमा रेखा से बाहर पहुंचाएंगे, लग भी रहा है दर्शक भी चाह रहे हैं कि हमारे पास गेंद बहुत देर हो गए नहीं आई है, क्या पहुंचाएंगे अपने खूबसूरत अंदाज में जिसके लिए जाने जाते हैं कौन, जी हाँ केडी, जबकि विकास एक सफलता के साथ, क्या केडी की वापसी करवाने में सफल होंगे, क्या उन्हें पवेलियन भेजने में सफल होंगे, देखते हैं क्या क्या होगा। इस अंतिम गेंद पर छठवें ओवर की 81 रन खाते में नजर आ रहे हैं, एक बहुमूल्य विकेट अभिषेक पांडे के रूप में वापसी हुई है। और देखिए बच्चा वापस लौटे हैं केडी और विकास ने एक अंधेरे में एक दीपक
विनय, विनय दूर वाले छोर से, जबकि इस समय स्ट्राइक पर बल्लेबाज मकबूल। मकबूल के बारे में पहले ही हम तारीफ कर चुके हैं, ज्यादा तारीफ करना भी इस समय मुनासिब नहीं होगा। बैटिंग पावर प्ले लिया है और मकबूल जैसे बल्लेबाज के ऊपर इस समय जिम्मेदारी जो मिली है बखूबी निर्वहन करना चाहेंगे और गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचाना चाहेंगे। एक नहीं, दो तीन चार पहुंचाने होंगे तभी बैटिंग पावर प्ले भोपाल ली है तो कुछ सोच समझ कर ली है। यहां से गियर बदलते हुए टॉप पर ही जाना चाहेंगे। लगातार छक्कों और चौकों की बरसात जो है शायद इस ओवर में हमें देखने को मिलेगा, जबकि इस बैटिंग पावर प्ले में किस तरह से सदी हुई गेंदबाजी करेंगे विनय, जबकि विकास दो सफलता के साथ टीम का मनोबल बढ़ाया है। बहुत अंधेरा हो चुका था, थोड़ा सा दीपक जलाया है विकास ने और निश्चित रूप से फुल टॉस बनाकर खेला है। कहां स्ट्रेट में की दिशा में सीधा छह रनों का इशारा एम्पायर के द्वारा। बेहतरीन बाउंड्री, खूबसूरत बाउंड्री और जो बैटिंग पावर प्ले का जो स्वागत किया है शानदार छह रनों से, तो अपने इरादे जो फिर से हेलीकॉप्टर शॉट खेलने के प्रयास में बैट पर ठीक तरीके से नहीं आई। हालांकि बल्लेबाज को इस समय नॉन स्ट्राइक पर जाना होगा। मकबूल को मौका मिला इस समय। घनश्याम जी हाँ, इनकी भी तारीफ की जाए तो कमी है, सभी तारीफ के काबिल हैं। बल्ले से क्या दिखाते हैं घनश्याम, ये देखने वाली बात होगी। बैटिंग पावर प्ले में आए हैं घनश्याम, अच्छी बल्लेबाजी करेंगे उम्मीद जताई है मकबूल ने भी घनश्याम से। और इस बार घनश्याम की शायद वापसी होगी क्या, हुई भी है। घनश्याम कुछ नहीं, और निश्चित रूप से पहली गेंद जा रही है मिड विकेट की दिशा में, सीधा मैदान की दिशा में। या क्या क्या गीत चलाते रहते हैं हमारे भाई साहब, मजेदार शिव धुन इस समय चलता हुआ। और गेंद कहां जाएगी, सीमा रेखा से बाहर, छह रनों के लिए बेहतरीन शॉट, हेलीकॉप्टर शॉट। जी हां, धोनी की याद। चलिए इस बार फिर से मैदान की ओर मकबूल तैयार है और फिर से रिप्ले शॉट दिखाया है। कोई मौका नहीं किसी भी फील्डर के लिए, चार रन का इशारा आता हुआ। बेहतरीन बल्लेबाजी करते इस समय मकबूल।
coming in the line. There is no chance for any fielder to gather the ball before the boundary line. Score goes to 106. अंदर चौका लगाया है बल्लेबाज राजा ने, अपने इरादे को बुलंद किया है और देखना है अगली गेंद पर किस तरीके की बल्लेबाजी करते हैं विकास। हमसे हम कमेंट्री से गेंदबाजी करने के लिए तैयार अंपायर जब्बार भाई को क्रॉस करते हुए फुल टॉस गेंद, सही नसीहत, कोई मौका नहीं, देयर इज नो चांस फॉर एनी फील्डर। Against Master Blaster, again good shot of the fielder is there this time, lovely fielding by him, both the batsmen are satisfied from the single only after a long time. Makbul is on a strike, let's see what Makbul will do in this over. Yahan se agar 14 over prati 14 रन प्रति ओवर आएंगे तो 147 रन, 16 ओवर आएंगे तो 152 के आंकड़े को छू सकती है, ऐसा प्रोजेक्टेड स्कोर हमारे स्कोरर दिखा रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन स्कोरिंग करते हैं डिजिटल स्कोरर हमारे बॉम्बे से आए हुए पूरे उनकी टीम का हम उनका स्वागत और इस्तकबाल करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं कि इस प्रतियोगिता में और चार चांद लगा दिया है आपके आपके आगमन ने। जो आप लाइव देख रहे हैं और जो रिप्ले देखते हैं थर्ड अंपायर की भूमिका, ये सब इन्हीं की देन है। बहुत ही शानदार कैमरामैन, सब सभी कैमरामैनों को हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं अपने आयोजन समिति की ओर से। बहरहाल विकास इस ओवर में कुछ महंगे साबित होते हुए, पिछले ओवर में काफ़ी अच्छी गेंदबाजी उनकी तरह दिखाई गई थी, दो महत्वपूर्ण सदे हुए ओपनर बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया था। अभी अभी विकास राजा के सामने, कोई मौका नहीं, गेंद बाउंड्री लाइन, राजा वही राजा जो धुआंधार बल्लेबाजी करते हैं शारिक 11 भोपाल के लिए। काफी अच्छी गेंद, बहुत ही बेहतरीन डॉट गेंद, समझ ना सके बल्लेबाज राजा जाना जी। सभी कटीवर के दास्ताने पर चार गेंदों का सामना करते हुए 15 रन बनाए हैं, 9 गेंदों पर शानदार 27 रन बनाए हैं, 300 का स्ट्राइक रेट है दोनों ही बल्लेबाजों का। मकबूल ने 5 गेंदों पर 15 रन बनाए और राजा ने 5 गेंदों पर 15 रन बनाए और मकबूल ने 9 गेंदों पर 27 रन, 300 का स्ट्राइक रेट, वाह क्या बल्लेबाजी है। अभी तक मात्र 3 महत्वपूर्ण बल्लेबाजी वापस गए हैं, 8 ओवर की समाप्ति के पश्चात कुल योग 118 रन, आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ 8 ओवर टोटल स्कोर इज 118 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट्स आफ्टर विनिंग द टॉस। सारिक 11 भोपाल इज प्लेइंग अगेंस्ट मास्टर ब्लास्टर बिलासपुर एट खेल परिसर इन विनीत कप 2021। यू ऑल आर वेलकम हियर। इस वक्त मंच पर उपस्थित प्रेस क्लब के सचिव महोदय आदरणीय वीरेन गहवाई जी मैच का लुत्फ उठाते हुए, मैच चलता हुआ शारिक 11 भोपाल रायगढ़ बनाम महामाया ब्लास्टर्स। मैं आयोजन समिति के भाई विशाल ताम्रकार जी को बता देना चाहूंगा कि प्रकाश मेहर चंदानी जी का आगमन हो चुका है। आयोजन समिति के सदस्य प्रकाश मेहर चंदानी जी से आकर कृपया स्टेज पे मिल लें। वाइट बॉल का इशारा आता हुआ, ऐसे भी 7 अतिरिक्त रन के रूप में खर्च किए हैं जिसमें 6 वाइड और 1 नो बॉल के रूप में। धर्मेंद्र एंड चेंज करके आए हुए हैं और इस रन से काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं।
शांत माहौल, क्योंकि सारी के इलेवन ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 119 रन का विशाल का स्कोर अब तक खड़ा किया हुआ है, और देखना है उसके जवाब में कि मास्टर ब्लास्टर बिलासपुर के बल्लेबाज किस तरीके की बल्लेबाजी करेंगे। कनेक्टिंग इंडिया ह्यूज वन कमिंग इन द लाइन ऑफ द बॉल, बैट्समैन मकबूल प्लेट सिक्स रन, स्कोर इज 125. धर्मेंद्र इन दिस ओवर इज बिकमिंग वेरी एक्सपेंसिव, गुड कम बैक बाय द बैट्समैन मकबूल। Both the batsmen are set now. They are going for big and big shots. Dharmendra is becoming expensive in this over. So far, one wide, one dot ball after that. A huge six, a biggie one. Raja and Makbul both are in good form. Both can go for big shots. Both the batsmen are experienced, dedicated, devoted and determined for their team. Both the batsmen are doing wonderful task over here. The earlier batsmen who have returned to pavilion played very nicely. They gave a very good total and starting without loss. They have scored up to I think 65 or like that. Please take care of the time, umpires should take care. After that we have one inning. Makbul in front of Dharmendra. Dharmendra will continue from non-commentary end. Keep on watching, keep on enjoying. Wonderful crowd. हमारे बीच सरकंडा में अलग ही पहचान कमाने वाले निशा डेलिनेट्स के प्रोप्राइटर भाऊ प्रकाश मर्चंदानी जी का आगमन हो चुका है। मैं आयोजन समिति की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। एक बार मैं सभी से अनुरोध कर रहा हूँ, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे प्रकाश मर्चंदानी जी का। बहुत ही अच्छी गेंद थी, लेकिन उससे अच्छा प्रहार, लेकिन बगैर किसी रन के चेस्टा की गेंद को खेला था। मकबूल धर्मेंद्र की गेंदों का सामना करने के लिए तैयार। धर्मेंद्र लगातार चढ़कर गेंदबाजी करते हुए कनेक्टिंग इंडिया ओवर द डीप मिड विकेट बाउंड्री फॉर सिक्स रन ह्यूज वन। जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए 136 रन स्कोर बोर्ड पर अब तक दर्ज हो चुके हैं। तीन महत्वपूर्ण बल्लेबाज इस समय तंबू में विश्राम कर रहे हैं। मकबूल 13 गेंदों पर 43 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। बॉल चार गेंद हुई, चार पांच पांच माफ करेंगे पांच। धर्मेंद्र मकबूल के सामने अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप पर रखा था, बिल्कुल रन लेने की कोई इच्छा नहीं जताई है बल्लेबाज राजा। मकबूल चाहते थे कि स्ट्राइक मेरे हाथ पे रहे, लेकिन राजा ने कहा हम भी देखते हैं यार, दोनों फॉर्म में हैं, चलो एक बार अपन ट्राई करते हैं। बहुत ही बेहतरीन अंदाज में खुशनुमा माहौल, क्रिकेट के अनुसार वातावरण बहुत ही शांत, सहमित हवाएं चलती हुई, दोनों अनुभवी अंपायर
रितेश राय जी, जब्बार अली पिछले 10 वर्षों से जिन्होंने अपने सेवाएं देते हुए इस प्रतियोगिता में 4 चांद लगाए हैं, अंपायर की महती भूमिका रहती है और एक बारी से सुन रहे हैं। इस समय 10वें ओवर की गेंदबाजी, अंतिम ओवर की गेंदबाजी जारी है। गेंदबाजी में है गेंदबाज कौन है, सुनील, उनकी गेंदों का सामना करेंगे मकबूल, जो कि काफी आक्रामक बल्लेबाज हैं, काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। पटकी हुई गेंद, सही नसीहत, कोई मौका नहीं, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 बल्लेबाज राजा तो रन नहीं लिया था, कैसे बहुत ही अच्छी गेंद, क्या अपना शतक पूरा कर पाएंगे मकबूल, अर्धशतक या देखना होगा। 49 रन पर पहुंच चुके हैं, 17 गेंदों का सामना करते हुए 49 रन। और इस बार गेंदों खेल के रन के लिए भाग पड़े हैं, 1 रन से संतुष्ट हो, 50 रन पूरे हुए हैं। इसी साथ मकबूल का दर्शक ताली बजाकर स्वागत करेंगे, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी मकबूल ने दिखाया है और आज इससे पहले भी बल्लेबाज केडी ने भी अर्धशतक लगाया है। 5 डॉट 4 सिंगल और 6 छक्के की बदौलत सुनील राजा के लिए।
स्पीकर्स प्रोप्राइडर मिस्टर अशोक टुटेजा माहौल रेस्टोरेंट रनों के लक्ष्य का पीछा कर पाते हैं या नहीं। स्वर्गीय उषा देवी भंडारी जी की स्मृति में आयोजित रात्रिकालीन टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता विनीत कप 2021 दसवां गौरवशाली वर्ष आप सभी आए हुए दर्शक भाइयों बंधुओं क्रिकेट प्रेमियों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों नंदन है वंदन है अभिनंदन है मंच पर उपस्थित बिलासपुर प्रेस क्लब के सम्माननीय सचिव आयोजन समिति के हम सभी के बड़े भाई वीरेन गहवाई जी मौजूद है। आयोजन समिति आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करती है। मंच पे वीरेन भैया का साथ निभा रहे निशा डेली न्यूज के प्रोप्राइटर मेरे बड़े भाई प्रकाश मेहरचंदानी जी, आयोजन समिति के मेरे बड़े भाई विशाल सिंह जी, सिद्धांशु मिश्रा जी, अतुल सिंह जी, शानुल खान जी, लाइव दी स्पोर्ट्स एसोसिएशन के मेरे सभी बड़े भैया क्रिकेट की इस प्रतियोगिता में जिनका बहुमूल्य योगदान रहता है, बंटी भैया, प्रहलाद भैया, आकाश भाई, दुर्गेश भैया, लाइव दी स्पोर्ट्स एसोसिएशन के सीईओ विकास पाल जी, विवेक ताम्रकार जी, मेरे भाई विशाल ताम्रकार, विकास ठाकुर, हेमू कामड़े, शिवा कौशिक, राज कश्यप, मनीष अरोरा, अवि आहूजा, भाई आर्यन दुबे कमेंट्री बॉक्स पे अपने मधुर वाणी में अपने मधुर आवाज में आप सभी का मन मोहते इस मैच का आंखों देखा हाल सुनाते कमेंटेटर्स वसीम खान जी, मेरे बड़े भाई कृष्णा तिवारी, देवेंद्र पाठक जी, महामाया ब्लास्टर के कप्तान से अनुरोध है कि अपने दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों को जल्द से जल्द पिच के समीप भेज दें जिससे मैच जल्द से शुरू हो और सभी मैच का लाभ ले सके। मैच का और इस वक्त मंच पर उपस्थित हमारे बड़े भाई निशा डेली नीड्स के प्रोप्राइडर मिस्टर प्रकाश मेहर चंदानी जी भी उपस्थित है। मैं उनका भी आयोजन समिति की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और उनकी नई शॉप निशा डेली नीड्स की एक और ब्रांच खुली है उनके लिए भी बहुत बहुत बधाई। और ऑफर भी चल रहा है उनके इस दुकान में, बेकरी आइटम, आइसक्रीम, हल्दीराम के प्रोडक्ट्स, ड्राई फ्रूट्स, सारे आइटम पर विशेष ऑफर दिए जा रहे हैं। तो मैं आपको बता देना चाहूंगा प्रकाश मेहर चंदानी जी की बार बार आपका अनाउंसमेंट होगा तो आपको आयोजन समिति के द्वारा दिए आपने जितने भी स्वीट्स और कुछ भी दिया है आयोजन समिति को उसमें आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा जो कि बार बार आप आयोजन समिति के भाइयों से यहाँ पे अपना एडवर्टाइजमेंट करवा रहे हैं तो आपको लगभग 50% ऑफर देना पड़ेगा। मैं महामाया के दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों से अनुरोध करूंगा जल्द से जल्द पिच के समीप आ जाए। महामाया ब्लास्टर के कप्तान दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों को जल्द से जल्द पिच के समीप भेज दें। 60 गेंदों पर 149 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरेगी महामाया ब्लास्टर की यह टीम।
लाइटें लगी है, यहाँ पे सार्फी लगी है जहाँ पे बैठ के दर्शक मैच का लुप्त उठाते हैं। दोनों ही बल्लेबाज आप देख सकते हैं पिच के समीप आते हुए, धर्मेंद्र और राजू बतौर ओपनर बल्लेबाजी करने आए हैं। सलामी बल्लेबाज, अनुभवी बल्लेबाज माने जाते हैं महामाया ब्लास्टर के दोनों ही बल्लेबाज। धर्मेंद्र देखना है, धर्मेंद्र प्रहारक बल्लेबाज जाने जाते हैं। अभी अभी उनके साथी के द्वारा पता चला है कितने रन जोड़ पाते हैं अपने बल्ले से, कितने रनों का योगदान देते हैं। और दोस्तों मैच शुरू हो चुका है। पहले ओवर की गेंदबाजी कमान संभाली है फिरोज ने, फिरोज की गेंद का सामना करेंगे। धर्मेंद्र धीरे बल्ले से खेली, फिरोज अच्छी गेंद, सरोज दोस्तों सॉरी फिरोज बोल रहे थे, यहां पे स्पेलिंग मिस्टेक थी, सरोज है गेंदबाजी में, तेज गेंदबाज पहले ओवर की गेंदबाजी लेकर आते। फिर से प्रहार किया है स्ट्रेट साइड की दिशा पे, अच्छा क्षेत्र रक्षण देखने को मिला, निश्चित तौर पे बाउंड्री रोकी है अपने टीम के लिए, बहुमूल्य 3 रन बचाए हैं। अच्छा क्षेत्र रक्षण देखने को मिला, फुर्ती से आए और गेंद को लपक कर थ्रो किया तेजी से, और अब प्रहारक छोर पर आ चुके हैं राजू। और अब सरोज की अगली गेंद, सामना करेंगे राजू, ऊंचे कदकाठी के बल्लेबाज प्रहार करना चाह रहे थे लेकिन कोई संपर्क नहीं, गेंद सीधा टप्पा खा के स्टंप को आ लगी। क्लीन बोल्ड आउट होकर पवेलियन की ओर लौटते हुए राजू अपना खाता भी नहीं खोल पाए दोस्तों, 0 रन पर, 0 रन पर पवेलियन का रास्ता दिखाया है राजू को। रास्ता 4 रनों का इशारा आता हुआ सम्माननीय मुख्य निर्णायक रितेश राय जी के द्वारा। बल्ला खोलने का मौका देंगे तो प्रहार जरूर करेंगे महामाया ब्लास्टर के बल्लेबाज, अच्छे बल्लेबाज हैं, अच्छी टीम है। अगली गेंद ऋषभ, फिर से बल्ला खोला है सर्कल का, यहां पे सर्कल के अंदर है फील्डर, पावर प्ले है, पावर प्ले का फायदा उठाना चाह रहे हैं। इस बार खासा संपर्क नहीं लेकिन 1 रन बखूबी चुरा लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने, और इसी 1 रन के साथ दोस्तों पहले ओवर की समाप्ति हुई है। 1 ओवर की समाप्ति पर टीम का कुल योग जा पहुंचा है 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर खेल परिसर के मैदान पर।
मोशीन। दोस्तों तेज गेंदबाज मोशीन, शारिक भोपाल के गेंदबाज, रफ्तार के बादशाह, और यहां पे गति में परिवर्तन किया था, धीमी गति की गेंद जिसको धीमे बल्ले से खेला, थर्ड मैन की दिशा में कोई क्षेत्र रक्षण मौजूद नहीं, देख लिया था, फांप लिया था बल्लेबाज ऋषभ ने, तेजी से दो रन पूरा किया जब तक राहुल मिश्रा पहुंच पाते, थ्रो कर पाते। अच्छा तालमेल दोनों बल्लेबाजों के बीच में देखने को मिलता हुआ दोस्तों। मोसीन अच्छी गेंद, अंदर आती हुई गेंद, बल्लेबाज समझ नहीं पाए, चकमा दिया बल्लेबाज ऋषभ को। मोसीन दोस्तों तेज गेंदबाज है और हर वर्ष विनीत कप में अपने खेल का जौहर दिखाते हैं, और तेज गति की गेंद दिखाई नहीं दी लगता है बल्लेबाज को, कोई संपर्क नहीं गेंद और बल्ले का, प्रहार करना चाह रहे हैं लगातार ऋषभ, लेकिन बल्ला खोलने का मौका नहीं दे रहे मोसीन। अच्छी गेंद, करीबी मामला जरूर हो सकता है, थ्रो लगाए दोस्तों, नो बॉल करार दी गई है, और पहुंच गए थे बल्लेबाज राजू, तेज रनिंग देखने को मिली बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में दोस्तों। फ्री हिट, मोसीन पैर बाहर आ गया था, फ्री हिट है, बॉल काउंट नहीं होगी, रन काउंट होगा दोस्तों, एक रन जो दौड़े हैं उसका और एक जो नो बॉल थी उसका, दो रन काउंट होगा बिना किसी गेंद को जोड़े हुए। मोसीन की अगली गेंद, सामना करेंगे सीधे हाथ के बल्लेबाज धर्मेंद्र, और प्रहार करना चाह रहे थे, बल्ले का किनारा लगा, गेंद थर्ड मैन के हाथों में, लेकिन तेजी से एक रन चुराया लेग बाई के द्वारा, पैरों पर लगी हुई यह गेंद थी, बाहर जाती हुई लेग स्टंप से, एक रन पूरा किया, और अब प्रहारक छोर पर आ चुके हैं ऋषभ, सामना करेंगे मोसीन की गेंद का, प्रहार किया है इस बार, लेकिन क्षेत्र रक्षक मौजूद यहां पे सीमा रेखा के पास। ओवर की अंतिम गेंद मोसीन की, सामना करेंगे धर्मेंद्र, और इस बार प्रहार करना चाह रहे थे, लेकिन अच्छी गेंद, अंदर आती हुई गेंद, कोई संपर्क नहीं, डॉट बॉल, और इसी डॉट बॉल के साथ दूसरे ओवर का पतन हुआ है। दो ओवर की समाप्ति पर महामाया ब्लास्टर्स का कुल योग जा पहुंचा है 12 रन एक विकेट के नुकसान पर खेल परिसर के मैदान पर। दोस्तों आज का यह दूसरा अत्यंत रोमांचक मैच, दोनों ही मजबूत टीमें आपस में भिड़ती हुई, और यहाँ पे दोस्तों हमें बहुत ही भारतवर्ष के, भारत देश के प्रसिद्ध खिलाड़ी, अनुभवी खिलाड़ियों को देखने का मौका मिल रहा है। मोसीन दूसरे ओवर की, पिछले अंतिम ओवर की गेंदबाजी की थी, जिन्होंने 69 नंबर की जर्सी पहने, तेज गेंदबाज मुदस्सर, तीसरे ओवर की गेंदबाजी कमान संभाली है शारिक भोपाल के मुदस्सर ने, और मुदस्सर की गेंद का सामना करेंगे उल्टे हाथ के बल्लेबाज ऋषभ, जिन्होंने पिछले ओवर में बाउंड्री जरूर जड़ी थी, इस ओवर में बल्ला खोलना चाह रहे हैं, लेकिन अच्छी गेंद, एक रन पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने, प्रहार करना चाह रहे हैं लगातार यहां पे देखने को मिल रहा है दोस्तों ऋषभ, लेकिन ऋषभ को रोकने में कामयाब हो जा रहे हैं शारिक भोपाल के गेंदबाज। मुदस्सर की अगली गेंद, और प्रहारक छोर पर आ चुके हैं धर्मेंद्र, जो कि 5 गेंदों पर 1 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं दोस्तों। प्रहार किया है, लेकिन क्षेत्ररक्षक मौजूद सीमा रेखा के पास, दूसरा रन लेना चाह रहे थे, लेकिन एक ही रन से संतुष्ट होने को कहा प्रहारक छोर पर पहुंचे हुए ऋषभ ने, संयम रखा, और संयम रख के खेलना होगा दोस्तों। मुदस्सर की अगली गेंद, बिलासपुर इंट से गेंदबाजी कमान ने मुदस्सर, मुदस्सर की गेंद का सामना करेंगे ऋषभ, प्रहार करना चाह रहे थे, लेकिन कोई संपर्क नहीं, गेंद सीधा आकर स्टंप को लगी, क्लीन बोल्ड पवेलियन की ओर लौटते हुए ऋषभ अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, अपना संयम खोया, अपना आपा खोया, जिसका खामियाजा उनको
वो उनकी टीम को उनके विकेट के रूप में, एक विकेट के रूप में चुकाना पड़ेगा। पवेलियन की ओर निराश हताश लौटते हुए यहां पे ऋषभ। अब देखना यह है दोस्तों, शुरुआती क्रम की इस लड़खड़ाती बल्लेबाजी को संभालने कौन सा वह बल्लेबाज होगा जो सेकंड डाउन की भूमिका में आता है और बल्लेबाजी के इस लड़खड़ाते हुए क्रम को संभालता है और 149 रनों के लक्ष्य को पूरा कर पाती है या नहीं महामाया ब्लास्टर की यह टीम। अत्यंत रोमांचक आज का यह दूसरा मैच जिसका लुत्फ उठा रहे हम सभी। उन दोस्तों का भी हार्दिक हार्दिक स्वागत है जो लाइव YouTube के माध्यम से विनीत कप 2021 सर्च करके या फिर टीम 7070 स्पोर्ट्स सर्च करके विनीत कप के लाइव मैचेस के सीधे प्रसारण का लुत्फ उठा रहे हैं। आप सभी का स्वागत है, नंदन है, वंदन है, अभिनंदन है। नए बल्लेबाज आए हैं संदीप, जो कि सामना करेंगे मुदस्सर की गेंद का। अच्छी गेंद सम्मान देने पर मजबूर किया, आपसी तालमेल नहीं देखने को मिला, करीबी मामला हो सकता था लेकिन थ्रो गलत ओवर थ्रो के द्वारा एक रन पूरा किया यहां पे दोनों ही बल्लेबाजों ने। तालमेल थोड़ा खराब था, कोऑर्डिनेशन बिगड़ा था दोस्तों, लेकिन एक जीवनदान कह सकते हैं, जीवनदान मिला है, प्रहार किया है, बल्ला खोला है इस बार और गेंद को दिखाया है सीमा रेखा के बाहर का रास्ता। 102 मीटर ऊंचा लंबा छक्का विनीत कप को सलामी देता यह छक्का। दोस्तों आप सभी देख सकते हैं अपने फोन पर किस तरीके से बल्ला खोला है धर्मेंद्र ने, बहुत देर से अपने बल्ले को रोक कर चल रहे थे, इस बार दिशा से भटके हैं, दिशाहीन गेंदबाजी, अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ, व्हाइट बॉल का इशारा या सम्माननीय मुख्य निर्णायक के द्वारा। अगली गेंद मुदस्सर की, सामना कर रहे धर्मेंद्र, प्रहार करना चाह रहे हैं लेकिन इस बार कोई संपर्क नहीं गेंद और बल्ले का, डॉट बॉल आती हुई ओवर की अंतिम गेंद तीसरे ओवर की मुदस्सर की, सॉरी दोस्तों ओवर की समाप्ति हुई है, तीसरे ओवर का पतन हुआ है। तीन ओवर की समाप्ति पर महामाया ब्लास्टर का कुल योग जा पहुंचा 22 रन 2 विकेट के नुकसान पर। स्वर्गीय उषा देवी भंडारी जी की स्मृति में आयोजित रात्रिकालीन टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता विनीत कप 2021 दसवां गौरवशाली वर्ष, आप सभी आए हुए दर्शक भाइयों बंधुओं का, क्रिकेट प्रेमियों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं दोस्तों। नंदन है, वंदन है, अभिनंदन है। बहुत से दर्शक यहाँ पे ऐसे भी हैं जो अपनी फैमिली के साथ आते हैं, आपको मैच देखने में किसी भी प्रकार की परेशानी हो रही हो तो आप मंच पे अपना उचित स्थान ग्रहण कर मैच का लुत्फ उठा सकते हैं। मंच पर उपस्थित सम्माननीय मंच का भी हार्दिक हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों आपको आगे के मैच का आंखों देखा हाल सुनाएंगे, वो पसंदीदा आवाज जिसको आप सभी सुनना चाह रहे हैं, मेरे बड़े भाई वसीम खान जी। बहुत बहुत धन्यवाद मयंक गौतम जी। इस समय तेज गेंदबाजी कर रहे हैं राहुल मिश्रा, सारी खिलवन भोपाल की ओर से समय सीमाएं प्रदान कर रहे हैं, काफ़ी तेज गति से गेंदबाजी करते हैं। राहुल मिश्रा की गेंद में काफ़ी धार है, कई बार इस प्रतियोगिता में और बिलासपुर की प्रतियोगिता में मैन ऑफ द सीरीज रहे हैं, अपनी गेंदबाजी का लोहा मनवाया हुआ है बिलासपुर और आसपास के क्षेत्र में। राहुल मिश्रा अपने ओर की अगली गेंद लेकर, संदीप ने इस बार गेंद को ड्राइव किया था, दोनों बल्लेबाज इस दरमियान एक रन पूरा किया, 23 रन टीम जो कुल योग, 5 गेंदों पर 9 रन की साझेदारी हो चुकी है। राहुल मिश्रा बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी हैं, देखना है किस तरीके से इन बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाते हैं। बहुत ही अच्छी गेंद, कुछ समझ में नहीं आया बल्लेबाज धर्मेंद्र को, जाने दिया था बिल्कुल फिल्मी अंदाज में विकेट कीपर के लिए, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं। और ये जैसा मैं कह रहा था कि राहुल मिश्रा ऐसे खिलाड़ी हैं जो कभी भी
बल्लेबाज की कमी को भांपकर उनके गेंद उनकी कमी के अनुरूप गेंदबाजी करते हैं और उन्हें पवेलियन के रास्ता दिखाते हैं। तो बिल्कुल अपने अनुभव का पूरा पूरा फायदा उठाया गेंदबाज राहुल मिश्रा ने। 7 नंबर की जर्सी पर इस समय वो गेंदबाजी कर रहे हैं, बिलासपुर के पसंदीदा चहेते खिलाड़ी हैं और इस समय सारी की 11 भोपाल रायगढ़ की ओर से अपनी सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं। अभी अभी एक सफलता अर्जित किया है, रिप्ले में देख सकते हैं किस अंदाज से लंबा हिट लगाना चाहते थे बल्लेबाज धर्मेंद्र, लेकिन नहीं समझ पाए राहुल की आग उगलती हुई गेंद का, सीधा विकेट की गिल्लियां उड़ा दी। और एक और मौका हो सकता था, राहुल मिश्रा संदीप के लिए इस तरह की गेंद पर अमूमन बल्लेबाज चौके छक्के लगाते हैं, लेकिन बल्लेबाज संदीप समझ ना सके, जाने दिया था विकेट कीपर के दास्ताने पर, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं। कुल मिलाकर 4 ओवर की गेंदबाजी पूरी हो चुकी है, 4 ओवर की समाप्ति के पश्चात कुल योग 24 रन 3 महत्वपूर्ण खिलाड़ी के नुकसान से 125 रनों की ओर दरकार 36 गेंदों पर। निश्चित तौर पर काफ़ी अच्छी स्थिति में सारी के 11 भोपाल की टीम, क्योंकि बल्लेबाजों ने आज अच्छा योगदान दिया था, अच्छी बल्लेबाजी किया है। कौन है? अंकिया, बहुत ही शानदार गेंदबाजी करते हैं अंकिया। अनिकेत बहुत ही अच्छी गेंद अनिकेत की, समझ ना सके बल्लेबाज, जाने दिया था विकेट कीपर के लिए। विकास और संदीप इस समय मैदान पर, कुछ समझ नहीं आया। एंड कनेक्टिंग इंडिया, ये दिल मांगे मोर, जोर का झटका है जोरों से लगा, जबरदस्त गेंद की लाइन पर आए, गेंद को पढ़ लिया था अपने अंदाज में, शानदार मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से पवेलियन ए में गेंद को पहुंचाया। 6 रनों का इशारा आता हुआ मुख्य नायक हितेश राय जी का। इस बार पुनः गेंद को कलाइयों के सहारे स्क्वायर लेग अंपायर की ओर गेंद को दिशा दिया है। जब तक बाउंड्री लाइन से खिलाड़ी आते उठाते लौटाते, दोनों बल्लेबाजों के पास पर्याप्त तो समय था 2 रन पूरा करने का। इन मिले 2 रनों के बदौलत टीम ने कुल योग में इजाफा हुआ, टीम ने कुल योग अब जा पहुंचा है 30 रन 32 रन पर। 5वां ओवर पारी का इस समय गतिमान है, कितना अधिक से अधिक रन बनाना चाहेगी, एक अच्छा मौका है मास्टर ब्लास्टर के बल्लेबाजों के पास कि वो अपने इस बड़े प्रतियोगिता में उनको एंट्री मिली है उनकी टीम को, तो उसका पूरा फायदा उठाएं और एक अच्छी बल्लेबाजी करने की कोशिश करें। हार जीत लगी रहती है, एक जो है जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। जिंदा दिल होकर बल्लेबाजी करना होगा, चौके छक्के की बारिश करनी होगी, जो बचे हुए दर्शक हैं उनका फुल मनोरंजन होना चाहिए। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, अनिश्चितताओं के इस खेल में अंतिम गेंद अंतिम रन अथवा अंतिम विकेट के जाने तक कुछ भी कह पाना जल्दबाजी होगी, हथियार नहीं डालना होगा। जोरदार अपील पग बाधा की और साफ करार दिए गए अनिकेत, जो कि एक अनुभवी गेंदबाज हैं, अपने अनुभव का पूरा पूरा फायदा उठाया और एक बल्लेबाज को पवेलियन का रास्ता दिखाया। रिव्यू आया है, अंपायर ने आउट करार दिया है, थर्ड अंपायर के लिए डिसीजन आया है। देखना है थर्ड अंपायर का क्या निर्णय होता है। एक ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद खेलने की कोशिश की थी, सीधा गेंद पैर पर आई थी, अंपायर का डिसीजन आउट है, थर्ड अंपायर के लिए निर्णय अभी पेंडिंग है।
आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये थर्ड अंपायर का डिसीजन जो पेंडिंग है, LBW करार दिए गए थे मुख्य निर्णायक के द्वारा, थर्ड अंपायर का डिसीजन आना शेष है, आप देख सकते हैं लेडीज स्क्रीन पर। तो ये थर्ड अंपायर का भी डिसीजन आउट, महत्वपूर्ण झटका अभी अभी लगा है, रिव्यू खत्म हो चुका है बल्लेबाजी कर रही टीम मास्टर ब्लास्टर का। नए बैट्समैन कौन है भाई? जो अभी बैट्समैन है इनका नाम क्या है? अभी जो बल्लेबाज है इनका नाम क्या है, नाम बताएंगे जब्बर भाई? प्रेम, प्रेम है क्या बल्लेबाज? यस। गेंदबाजी में इस समय निक्की, ऐसे क्या? इस समय गेंदबाज निक्की गेंदबाजी करने के लिए तैयार, कमेंटेंट से गेंदबाजी करेंगे, उनकी गेंदों का सामना करने के लिए पहली बार पहरक छोर पर इस समय बल्लेबाज मौजूद हैं संदीप। काफ़ी देर से बल्लेबाजी कर रहे हैं, देखना है निक्की की गेंदों को किस तरीके से वो सामना करते हैं। हमसे दूर भागते हुए इस समय निक्की बगैर गेंद की लाइन पर आए लंबा हिट लगाना चाहते थे, बैट और बॉल का कोई दूर दूर तक संपर्क ना हुआ, ऑफ स्टंप को छोड़ती हुई गेंद वाइड का इशारा आता हुआ मुखड़ा एक जब्बार अली का। निक्की संदीप के लिए, एक खिलाड़ी दूर, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ डीप मिड विकेट, बगैर गेंद की लाइन पर लंबा हिट लगाना चाहते, काफ़ी तेज गति से गेंद को निकाला था गेंदबाज निक्की ने, बैटर बॉल का कोई तालमेल ना हो सका, बाकी का काम पूरा किया था विकेट के पीछे मुस्तैद चुस्त दुरुस्त विकेट कीपर, एक स्लिप एक शॉर्ट थर्ड मैन शॉर्ट पॉइंट शॉर्ट कवर, और इस बार गेंद को हवा में खेला है, खिलाड़ी उसके नीचे मौजूद और देख रहे हैं कैचेस मिस द मैच। हालांकि काफ़ी रन बना लिए हैं सारी के 11 के बल्लेबाजों ने, टीम ने इसलिए कोई खास दबाव में नज़र नहीं आ रही है, उनके पास मौका है, वरना कुछ करीबी अगर कुछ फंसा हुआ मैच होता तो निश्चित तौर पर इस तरीके कैचेस छोड़ना काफ़ी खतरा हो सकता था। बहरहाल निक्की कड़ी अग्नि परीक्षा लेते हुए कमेंट्रेंट से गेंदबाजी कर रहे हैं, उनकी गेंदों का सामना पहाक छोर पर समय बल्लेबाज प्रेम, देखना है किस अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं, प्रेम से करते हैं या गुस्से में चौके छक्के लगाते हैं, यह देखना होगा। प्रेम अभी अभी आए हैं, कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, पारी को जमाना चाहेंगे, उसके बाद लंबे हिट के लिए जाएंगे। इस बार बाया कदम आगे निकाल के हल्के हाथों गेंद को खेल दिया था, एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा, एक रन से ही संतुष्ट, पूरी तरीके से इस मैच को अपने सिकंजे में कस चुकी है, सिकंजे कसती हुई सारी के 11 भोपाल की टीम, जबकि मात्र औपचारिकताएं मैं कहूँगा शेष रहती बची हुई हैं। छठवा ओवर इस समय गतिमान है, निक्की है इस समय तेज गेंदबाजी कर रहे हैं, प्रेम बगैर गेंद की लाइन पर लंबा हिट लगाना चाहते थे, स्टेप आउट होकर गेंद को खेलना चाहते थे, संदीप बैट और बॉल का कोई तालमेल ना हो सका, बाकी का काम पूरा किया था विकेट के पीछे मुस्तैद विकेट कीपर ने, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं। काफ़ी अनुभवी खिलाड़ी मोहसिन खान जो कि 69 नंबर की जर्सी पे समय फुल टॉस गेंद बाउंड्री लाइन की ओर जाती हुई, लेकिन उसके पास एक खिलाड़ी मौजूद, उन्होंने सब गेंद को फील्ड किया, अंपायर का इशारा एक रन कुछ नहीं। एक रन कितने बार हो गया? 6 बार, 6 ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का कुल योग
सिंगल। हाँ मोहसिन बॉलर कौन है? सूरज अनिकेत अनिंक्य। हाँ अनिकेत दूर वाले छोर से सामना करेंगे संदीप के लिए। काफ़ी देर से बल्लेबाजी कर रहे हैं लेकिन गेंद उनके बल्ले पे आज नहीं आ रही है। और सीधा साफ बोल्ड आउट किया है अनिकेत ने। पांचवा बड़ा झटका। लेग साइड के काफ़ी बाहर वाइट बॉल का इशारा आता हुआ एक और अतिरिक्त रन की सौगात। अभी भी मात्र 36 रन स्कोर बोर्ड पर दर्ज हुए हैं जबकि पांच महत्वपूर्ण बल्लेबाज इस समय 38 रन बन चुके हैं जबकि पांच बल्लेबाज तंबू में इस समय विश्राम कर रहे हैं। अभी भी प्रेम और सतीश अपने बुलंद इरादों के साथ मैदान पर डटे हुए हैं हालांकि अभी तक सफल नहीं हुए हैं। छठवा महत्वपूर्ण झटका। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं फ्री हिट।
एक ओवर सफल ओवर की समाप्ति हुई। अब कुल मिलाकर सात ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 40 रन बन चुके हैं। पांच महत्वपूर्ण बल्लेबाज वापस जा चुके हैं। 18 गेंदों पर 109 रन चाहिए। पहाड़ जैसा लक्ष्य मात्र और औपचारिकताएं शेष। मकबूल जो कि अच्छे बल्लेबाज हैं, उन्होंने भी देखा कि बहती गंगा में हाथ धुला जाए, शायद एक दो विकेट मिल जाएं। गेंदबाजी के लिए आ गए हैं और लेग साइड पर गेंद को रखा है फुल टॉस। और कहीं ये ऐसा टाइम होता, चार रनों का इशारा आया है, जब टीम को 8-10-12 रन चाहिए होते और ये एक्सपेरिमेंट करते तो मकबूल आज टीम के लिए बहुत जो है घातक साबित हो सकते थे। बहरहाल एक मौका है गेंदबाजी सीखने के लिए मकबूल के लिए। मकबूल बहुत ही अच्छी गेंद, वाह क्या कमाल की गेंदबाजी। हालांकि अमूमन तौर पर बल्लेबाजी करते हैं मकबूल, सारी के लेवल भोपाल की ओर से काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, काफ़ी अनुभवी खिलाड़ी हैं। एक टाइम आते थे जब टीम इंडिया भोपाल की तरफ से, भोपाल की टीम आती थी जिसमें जबरान वगैरह खेलते थे और मोहसिन खान के साथ वो टीम उतरती थी। ज़बरदस्त अंदाज में बहुत ही शानदार क्रिकेट, भोपाल के मैच देखने के लिए हजारों की संख्या में दर्शक असगर अली स्मृति टूर्नामेंट में आते थे पुलिस ग्राउंड में। और अभी अभी मकबूल चढ़कर गेंदबाजी करते हुए, मात्र औपचारिकताएं शेष। दो खिलाड़ी स्लिप, एक शॉट कवर, एक शॉट बगैर लाइन पर आए लंबा हिट लगाना चाहते थे। बल्लेबाजों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। और मकबूल भी अच्छा अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, गेंद से कमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। वाह अपने ही फॉलो थ्रू में क्या एक्शन है, वाह सुरमा भोपाली। आठ ओवर की समाप्ति के पश्चात 45 रन, बैटिंग पावर प्ले। अब गेंदबाज अपना इंतजार में है कि मोहसिन खान या किसी को ओवर मिले। सरोज को तो दूसरा ओवर करने को मिल गया, मोहसिन भी इंतजार में है, उन्हें मौका मिलेगा या उनका ओवर जो मकबूल ने किया उसमें कटेगा या देखना होगा। सरोज काफ़ी तेज गति से गेंदबाजी करते हैं अपने विकेट की तलाश में। और अभी अभी एक और बल्लेबाज पवेलियन वापस जाते हुए, कार्ड बिहाइंड। चलो सरोज के लिए तो कुछ अच्छा होता हुआ, एक सफलता उनके हाथ लगी है और अच्छे गेंदबाज हैं सरोज, या आगे उनके लिए सीरीज वगैरह में काम आ सकता है, तो अच्छी गेंदबाजी करना होगा। अब अगले बल्लेबाज आए हैं। आप सभी सुनील दर्शकों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, महादेव। सरोज और दूसरे में भी बोल्ड, साफ बोल्ड आउट किया है सुनील, तो हैट्रिक पर है इस समय सरोज। मैं जैसे कह रहा था कि अच्छा मौका है उनके लिए, यहाँ सफलता अर्जित कर लेंगे दो चार तो निश्चित तौर पर आगे उन्हें मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। बिल्कुल आक्रामक फील्डिंग लगा दी गई है
और ये एक रन चुरा लिया था, बिल्कुल नहीं लेना चाहेंगे। जोरदार अपील पगबाधा की, उत्साह ज्यादा, विश्वास में कमी, सिरे से नकार दिया था उनकी अपील को गेंदबाज सरोज। पिछले साल की विजेता टीम है सारी के इलेवन भोपाल रायगढ़ की टीम, और अब उन्हें मालूम है कि मात्र औपचारिकताएं शेष है। 46 रन पर 7 बल्लेबाज पवेलियन वापस जा चुके हैं। और ये काफी देर के बाद एक बाउंड्री आई है, लग भाई बॉल है, कितनी बॉल हुई, चार पांच, पांच अंतिम गेंद। इस बार भीड़ नहीं रहे, लेट भी ज्यादा हो जाता है। शानदार चौके छक्के की झड़ी लगा दी है अंतिम मौके पर। छह पे 17, वाह। और इस बार मोहसिन खान के पास मौका है कैच लेने का, आठवां महत्वपूर्ण झटका, मात्र 2 गेंदे फेंकी जानी शेष। शानदार स्कोरिंग का प्रभार संभाले आज मैच में हमारे भाई शिवा कौशिक। मैं आयोजन समिति की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं भाई शिवा कौशिक जी का। मंच पर हमारे बीच उपस्थित वीरेंद्र गहवाई जी, आनंद मिश्रा जी, अंतिम निशा डेलिनेट्स के प्रोपराइटर प्रकाश महरचंदानी जी, 70-70 स्पोर्ट्स के कप्तान हमारे बीच